नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीएसटी की मास्टर क्लास सीधे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। हम खास तौर पर ये आपके लिए पैनल लेकर के आए हैं क्योंकि देश भर से हमें सवाल मिल रहे हैं जीएसटी को लेकर के। तमाम लोगों के मन में जो उलझने हैं, जो कुछ सवाल हैं, उनको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन और कॉम्पोजिशन, इन तीन बिंदुओं पर खास तौर पर फोकस करेंगे। और मेरे साथ बहुत ही खास पैनल है, उन सभी का परिचय आपसे करा दें। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं महेंद्र सिंह जी का, जो कि मेंबर जीएसटी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए खासतौर पर इस कार्यक्रम के लिए। उपेंद्र गुप्ता जी, बहुत सारे लोग जीएसटी पर इन्हें तमाम टीवी चैनल्स पर देख चुके हैं और लगातार इंटरेक्ट करते रहे हैं। उपेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से स्टूडियो में आने के लिए। हिमानी भयाना जी हैं ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी, वो इस वक्त स्टूडियो में है। मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका जो प्रेजेंटेशन है जो रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन पे, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन और कॉम्पोजिशन, हम एक बार फिर से ये मास्टर क्लास इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि लगातार सरकार जीएसटी को सरल बनाने की कोशिश कर रही है और जो भी सवाल जमीन से उठ रहे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको सुलझाने की दिशा में जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने भी लगातार कई सारे फैसले लिए और इसलिए एक बार फिर से जरूरी हो गया है कि रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन, कॉम्पोजिशन की जो भी दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए जो कॉमन इश्यूज हैं, वो आपके बीच में से हम लेकर के आए और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से तमाम देश के लोगों को, जनता को समझाने की कोशिश करें, कारोबारियों को समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से सरकार जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश कर रही है। शुरुआत करते हैं महेंद्र सिंह जी, आप ही से। क्यों ये जरूरत पड़ रही है फिर से एक बार सिस्टम्स को, लोगों को समझाने की? क्या हम कुछ अभी हाल ही में कुछ बदलाव लेकर के आए हैं रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन या कंपोजिशन को लेकर? रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन और कंपोजिशन के बारे में पहले से भी बहुत सारे सवाल हैं टैक्स पेयर्स के मन में और बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। लेकिन पिछली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 6 अक्टूबर को जो 22वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें कई अहम सवाल लिए गए और अहम फैसले भी लिए गए हैं। तो मैं और मेरे कलीग इस सेशन में, जीएसटी की मास्टर क्लास में, वी विल टेक अप दोज क्वेश्चंस। वॉट एवर डिसीजंस हैव बीन टेकन, वील मेक यू अवेयर, एंड वॉट एवर क्वेश्चंस, डाउट्स आर देयर इन द माइंड ऑफ द पीपल, इन द माइंड ऑफ द टैक्स पेयर्स, विल बी टेकन अप एंड वील ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल दोज क्वेश्चंस विच आर कंटिन्यूइंग इन द माइंड ऑफ द टैक्स पेयर्स, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन एंड द कंपोजिशन स्कीम। तो जो जो सवाल आपके आज आएंगे हमारे सामने, उनका हम जवाब देंगे, मैं और मेरे कलीग्स, और बहुत सारी जो डाउट्स हैं उनको स्पष्ट करेंगे। शुक्रिया सर। उपेंद्र सर, अगर जब भी आप इस तरह के प्रोग्राम्स में जाते हैं, ज्यादातर जो इश्यूज हैं, वो कहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कतें जमीन पर दिखाई देती हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई देता है, जहाँ से लोग ज्यादा सवाल करते हैं आपको? प्रोसीजर से रिलेटेड सवाल करते हैं और लॉ से, क्योंकि नया लॉ है। हम 70 साल से इस देश में हम एक तरीके से व्यापार चलाते थे, रिपोर्टिंग सिस्टम था, वैट में अलग रिपोर्टिंग सिस्टम था, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स में अलग था। अब वो मर्ज हो गया है, तो नए तरीके से रिपोर्टिंग है, नए तरीके की रिटर्न्स हैं, उन सबको के बारे में लोगों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं, कंसल्टेंट्स को भी काफ़ी डाउट्स हैं। इसीलिए हम एक अपना ट्विटर हैंडल भी चलाते हैं, AskGST_GOI, जिस पे हमारे करीब अब 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, उसी में से हमने काफ़ी क्वेश्चंस चुने हैं और हमने अपनी प्रेजेंटेशन, जो मेरी कुलीग हिमानी करेंगी, उसमें उन सब का आंसर देने की कोशिश की है। तो और बाकी क्वेश्चंस जो स्टूडियो में ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम क्वेश्चंस पूछें, वो क्वेश्चन जो हमसे पूछेंगे उसका आंसर देंगे। तो कोशिश इस क्लास के द्वारा ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाई किया जाए, जिससे कि लोगों को और आसानी लगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं रजिस्ट्रेशन से ही। हिमानी भाई मैम, क्या आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हैं? थैंक यू। जैसे कि आप सब अब तक जानते ही होंगे कि रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज हाउ यू एंटर इनटू जीएसटी। एंड इंडिया में हमने क्या लाए कि इट्स अ स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कहीं भी लोकेटेड हैं, जिस स्टेट में आप लोकेटेड हैं, आप उस स्टेट में कहीं भी, आपके बेशक एक से ज्यादा ऑफिस हो, बट आप एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे और वो पैन बेस्ड है, 15-डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर है। और किस ऑफिस से, अब हो सकता है कि आप एक जगह रहते हैं, दूसरी जगह आपका एक ऑफिस है जहां पे आप सामान रखते हैं, तीसरी तरफ कहीं आप बिल्स बनाते हैं, बट लॉ सेज प्लेस फ्रॉम वेयर यू मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है।
ये सारे जो पहले जैसे सर ने बोला कि पहले आप एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, स्टेट सेंट्रल एक्साइज में, वैट में, सर्विस टैक्स में, अब उन सब कुछ हटाकर एक जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है. देर आर टू एक्ट्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, बट रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही है. एक स्टेट में लाइक आई सेड एक ही रजिस्ट्रेशन है, बट हमने एक एक्सेप्शन दो निकाली हुई है लॉ में कि अगर आप बिजनेस वर्टिकल्स हैं, ये हमने बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में सोच के रखा कि जो जैसे आईटीसी है, जो एक उनका होटल डिवीजन है, एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग है, तो उनको भी अगर हम बोलें कि एक ही रजिस्ट्रेशन से फिर उनकी रिटर्न भी सारी एक हो तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है. तो उनके लिए हमने एक्सेप्शन निकाला लॉ में कि आप बिजनेस वर्टिकल अगर हैं अलग अलग, तो आप भले ही एक ही स्टेट में भी लोकेटेड हैं, बट आप दो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. सिमिलरली SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स हैं, उनके लिए भी हमने कहा आप अलग से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. बट आप एक ही पैन बेस्ड एंटिटी हैं और आपके ऑफिसेज एक स्टेट से ज़्यादा में लोकेटेड है, वो अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन इज द टेक्निकल टर्म दैट वी यूज इन द लॉ, वो रहेंगे आप. अब सबके मन में ये सवाल उठता है कि पहले मैं रजिस्टर्ड नहीं था या पहले था, बट अब GST में नया लॉ है, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? तो हमने सरल तरह से ये प्रेजेंटेशन बनाई है कि आपको ये सवाल अगर आपके क्वेश्चन पूछे अपने आप से और उनका जवाब अगर हाँ होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है GST में. सबसे पहला कि आप टैक्सेबल सप्लाई अगर करते हैं किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से, और आपका सालाना जो आप इनकम है आपकी 20 लाख से ज़्यादा अगर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है. 20 लाख की वैल्यू इज योर एग्रीगेट टर्नओवर, विच इज़ द टोटल वैल्यू यू गेट ऑन योर सप्लाईज मेड. एंड ये 20 लाख इज एक्चुअली 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. और अगर आप पिछले एक्ट्स में, दैट इज सेंट्रल एक्साइज एक्ट था, फाइनेंस एक्ट था या वैट एक्ट था स्टेट का, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड थे तो हमारा लॉ कहता है कि आप रजिस्ट्रेशन GST में भी लेंगे. एंड तीसरा कंडीशन है कि अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से बिजनेस उसका आपने खरीद लिया तो. अब हमने लॉ में, ये तो बेसिक प्रिमाइस है, अब हमने किन्हीं किन्हीं कैटेगरीज को बोला कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं. अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो भले ही आपका जो इनकम है 20 लाख से कम है, बट फिर भी आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन. बट अभी जैसे सर ने बोला कि रिसेंट 6 अक्टूबर की GST काउंसिल मीटिंग में मेजर डिसीजन लिए गए थे, उनमें से एक मेजर डिसीजन ये था कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, प्रोवाइडेड आपका 20 लाख से वैल्यू कम है. नहीं तो पहले क्या था कि इवन इफ आप 10 रुपए की भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था. तो ये एक मेजर हमने प्रोविजन बनाया ताकि छोटे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन ना लेनी पड़े. एंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का हमने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें हमने स्पेसिफाइड कैटेगरीज दी हैं, अगर आप वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स भी सप्लाई करते हैं इंटर स्टेट तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. बट अब आई विल टेल यू अबाउट द कैटेगरीज जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है भले ही आपका इनकम 20 लाख से कम भी हो. वो है कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है, जिन्हें सेक्शन 9(3) है हमारा. Then there are persons who are required to pay tax under section 9(5), which is e-commerce operators, जो अभी notify नहीं हुआ है. फिर आपके पास input service distributors हैं, और फिर अगर आप online information database access और retrieval services लेते हैं, आप खुद unregistered हैं but आप abroad से ये services लेते हैं, तब भी आपको registration उन लोगों को लेना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, जो कि अभी हमने ये सेक्शन अभी नोटिफाई नहीं करा है. एंड अगर आप एजेंट हैं, अगर आप किसी दूसरे का माल बेचते हैं तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है भले ही आपकी इनकम 20 लाख से कम ना हो. देन वी हैड स्पेशल प्रोविजन ऑफ ए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उनको भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बट वो अभी 1 अप्रैल तक डिफर कर दी गई है. And now, who are the people who are not required to register? Persons who are engaged exclusively in non-taxable or wholly exempted supply of goods or services. So, agar aap non-taxable hue goods jo GST se bahar hain, like petroleum products, agar aap usme business karte hain, to aapko registration lene ki zarurat nahi hai. Aur agar aapka
जो गुड्स या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हैं और आपका जो प्रोड्यूस है सारा लैंड से आ रहा है, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन की नहीं ज़रूरत। एंड हमने एक स्पेशल और कंडीशन दिया है कि कुछ सर्विस, कुछ सप्लाईज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको रिवर्स चार्ज कहते हैं कि जो सप्लाई ले रहा है उसको टैक्स पे करना है। तो अगर आप ऐसे सप्लायर हैं जिसका जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जिसमें सब रिवर्स चार्ज है, जो कि रेसिपिएंट को देना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कब अप्लाई करना है। द मोमेंट यू नो दैट यू आर लाइबल टू रजिस्टर, द गवर्नमेंट इज गिविंग यू टाइम टिल 30 डेज। सो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट यू बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in। अब एक्सेप्शन है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसको 5 दिन अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अप्लाई करना है। ये हमारा कॉमन पोर्टल का एड्रेस है www.gst.gov.in। आपको पार्ट ए फॉर्म है उसका भरना है, उसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें भरनी है, अपना पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दैट्स ऑल। REG1 GST फॉर्म, GST REG1 नाम है इसका, तो उसमें आपने ये 3 चीज़ें भरी। पैन जो है वो CBDT के डेटाबेस से वैलिडेट होगा, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे हम 1 टाइम पासवर्ड भेजेंगे फॉर वेरिफिकेशन की ऑथेंटिक है। जब सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपको एक ARN मिलेगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। जब आपके पास एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया और हमने अपने जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स हैं 2017, उसमें हमने डिटेल्स दिए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं एज प्रूफ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो आप डॉक्यूमेंट्स भी जब सबमिट करेंगे, पार्ट बी भरेंगे GST REG1 फॉर्म का, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। बट हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को लगता है कि कंप्लीट नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि आपका ये क्या कमियां हैं, हम आपको एक नोटिस इशू करेंगे REG3 में। तो आप एक बार वो कमियां पूरी कर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा REG6 फॉर्म में विद इन 3 वर्किंग डेज। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर आपको कोई जवाब नहीं आता सरकार की तरफ से 3 वर्किंग डेज के बीच में फ्रॉम द टाइम यू अप्लाइड, इट विल बी डीम्ड कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है। REG3 में जब हमने आपको नोटिस दिया है, विद इन 7 वर्किंग डेज आपको अब देना है कि क्लैरिफिकेशन दीजिए। अगर आ जाता है सब कुछ ठीक, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उनको मिल जाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन विद इन 7 वर्किंग डेज। नाउ मेथड्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है, अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, उसके लिए हमने टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी प्रोविजंस दिए हैं कि आप कैसे फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो सकता है फॉर कंपनीज एंड LLPs, दिस इज़ दी ओनली क्राइटेरिया कि आपको ये भरना ही है, सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकियों के लिए ई सिग्नेचर ऑप्शन है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड्स हैं विच इज़ आधार बेस्ड, नेट बैंकिंग बेस्ड और GST जनरेटेड। हम ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट जब हम आपको कोई नोटिस इशू करेंगे या ऑर्डर इशू करेंगे, तो हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से करेंगे या ई सिग्नेचर से करेंगे। GSTN इज द आइडेंटिटी ऑफ अ टैक्स पेयर इन द GST रेजीम। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको कहते हैं, GSTN। उसका 15-डिजिट कोड है, फर्स्ट 2 इज योर स्टेट कोड, द नेक्स्ट 10 डिजिट्स आर योर पैन बेस्ड पैन नंबर, देन नेक्स्ट 2 डिजिट्स आर योर एंटिटी कोड, एंड देन लास्ट इज अ चेक सम डिजिट। अब आपने, जैसे मैंने पहले बोला कि विद इन 30 डेज यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, बट आपने प्रोसेस समझा कि कैसे प्रोसेस फ्लो होता है, आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, हम देखेंगे ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर नहीं है तो वी विल इशू यू अ नोटिस कि आप ये कमियां पूरी करिए, डेफिशिएंसी मेमो इशू करेंगे। तो व्हाट इज़ द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच आपकी रजिस्ट्रेशन गिनी जाएगी, इसके दो ऑप्शन हैं आपकी। अगर आपने विद इन 30 डेज अप्लाई करा फ्रॉम बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, देन इट विल बी द डेट फ्रॉम विच यू बिकेम लाइबल। बट अगर आपने थोड़ा डिले कर दिया, आपने 30 डेज के बाद अप्लाई करा, तो जो डेट जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है
दैट विल बी द इफेक्टिव डेट. एंड अब क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कब तक वैलिड है, हमें ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू तो नहीं कराना? तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टिल द टाइम आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करिए या सरेंडर करिए, ये वैलिड रहेगा ये नंबर. अब माइग्रेशन और कॉम्पोजिशन के लिए आई लास्क माई कोलीग विशाल टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस. इसमें मैं कहना चाहूँगा दो तीन बातों पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा जो हिमानी ने अभी प्रेजेंटेशन किया उसके बारे में. एक तो RCM के बारे में हिमानी ने बताया था कि अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है अगर आप RCM में टैक्स देना है. तो RCM जो है वो दो सेक्शंस में है, सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4). काउंसिल की लास्ट मीटिंग में ये काउंसिल ने डिसाइड किया था कि सेक्शन 9(4) जो है 31 मार्च तक सस्पेंड रहेगा. तो अब जो है और उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन हम लोग ने 13 अक्टूबर को इशू कर दिया, जिसमें नोटिफिकेशन ये बोलता है कि जो सेक्शन 9(4) है उसमें एग्जेम्पशन मिल गई. तो और वो एग्जेम्पशन 31 मार्च 2018 तक वैलिड है. तो अब जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ सेक्शन 9(3) वाले केसेस हैं जहां पर कि कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज को नोटिफाई किया हुआ है जिसमें सप्लायर टैक्स ना देके रिसिपिएंट टैक्स देगा, जैसे एडवोकेट सर्विस है, जैसे GTA सर्विस है, जैसे डायरेक्टर सर्विस है. तो इस टाइप की करीब 10-12 सर्विसेज हैं जिसमें कि 9(3) सेक्शन एप्लीकेबल है और जैसा मैंने पहले कहा 9(4) एप्लीकेबल नहीं है. दूसरा पॉइंट मैं बोलना ये बताना चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन में 20 लाख की इनकम के बारे में बोला. इनकम और टर्नओवर को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं 20 लाख की लिमिट की या 10 लाख की लिमिट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, तो उसमें हम टर्नओवर की बात करते हैं. कई लोगों को ये भ्रांति हो सकती है कि इनकम क्या है, इनकम तो जो मेरा प्रॉफिट है वो. हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं कि टोटल टर्नओवर आपकी 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए तभी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है अनलेस आपका RCM में लाइबिलिटी है. तीसरी बात TDS और TCS के बारे में काउंसिल की मीटिंग में ये निर्धारित हुआ कि वो प्रोविज़न भी कि कब से टैक्स काटना है या कब से ई कॉमर्स वाली कंपनीज को टैक्स कलेक्ट करना है वो 1 अप्रैल से होगा, अभी नहीं होगा. तो 1 अप्रैल से वो रिक्वायरमेंट आएगी. और चौथी बात मैं बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई से हमने नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया और आज करीब 100 या 105 दिन हो चुके हैं. तो करीब नए जो टैक्स पेयर्स रजिस्टर हुए हैं उनका नंबर करीब 28 लाख है, 28-29 लाख नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है. तो रजिस्ट्रेशन की तो ये बात हुई, उसके बाद वी कैन हैव क्वेश्चंस. मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. हाँ. ब्रेक के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होकर जब वापस आएंगे तो फिर माइग्रेशन और कॉम्पोजिशन पर जो प्रेजेंटेशन है विशाल की उस पर हम निगाह डालेंगे. लेकिन अगर आप लोग कहें तो हम रजिस्ट्रेशन से जुड़े सवाल ले सकते हैं या फिर प्रेजेंटेशन के बाद एक साथ सवाल एक साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से माइग्रेशन और कॉम्पोजिशन पर जो भी बदलाव हुए हैं और अभी जो ताजा स्थिति है GST को लेकर के उस पर एक निगाह डालेंगे. कहीं मजा आइए, आप देख रहे हैं GST की मास्टर क्लास सीधे वित्त मंत्रालय के साथ. मिस्टर कपूर के सर पर 2 बाल हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. क्या बात है? पर शादी नहीं कर सकते क्योंकि बाल विवाह इलीगल है. इन्वेस्ट ₹20,000 एंड गेट 200% अप्रिसिएशन इन 2 मंथ्स. बिन मांगे मिली SMS इन्वेस्टमेंट टिप्स को हंसी में उड़ाना ही बेहतर है, क्योंकि इन पर भरोसा करेंगे तो फायदा आपका नहीं किसी और का होगा. इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय SEBI. हर इन्वेस्टर की ताकत. My son fulfills his duty to the nation. My brother fulfills his thirst for adventure. My husband fulfills my desire for a better life. My son. My brother. My husband is a naval officer. He has an ocean of opportunities. Indian Navy. An ocean of opportunities. www.navsena-bharati.nic.in. Thank you.
देश के हो रहे निरंतर विकास में फर्क पड़ता है, स्वयं की प्रतिष्ठा और प्रगति में फर्क पड़ता है, जन सुविधाओं की बेहतरी में फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से। जो कंपनी व अन्य व्यक्ति समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अकाउंट ऑडिट करवाते हैं, उनको अनेकों सुविधाओं का लाभ मिलता है। लेकिन यदि आपने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो अपेक्षित ब्याज, पेनल्टी व अभियोजन लगाया जा सकता है, और यदि अकाउंट ऑडिट नहीं कराया तो जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए याद रहे, कंपनियों को और जिन लोगों को अकाउंट ऑडिट करवाने की आवश्यकता है, उनकी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2017 है। देश का भविष्य है आपके हाथ। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए ऑपरेशन क्लीन मनी का साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जीएसटी की पाठशाला, जीएसटी की मास्टर क्लास। वित्त मंत्रालय के कई अधिकारी हमारे साथ इस वक्त हैं और जीएसटी के जो तमाम उलझने हैं उनको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं इस खास सीरीज में। आज हमने चुना है रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन और कॉम्पोजिशन को, और अब मैं ज्वाइंट कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो माइग्रेशन और कॉम्पोजिशन पे अपनी। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार। हम मुझे जो टॉपिक जिस पे बोलना है वो है माइग्रेशन और दूसरा कंपोजिशन स्कीम। माइग्रेशन क्या होता है कि ये एकदम नया टैक्स तो है नहीं, पहले कुछ टैक्स थे, वैट लगता था, सेंट्रल एक्साइज लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, तो इसको हम लोग एक में मिलाकर और बाकी और भी कई टैक्सेज हैं उनको मिलाकर हम लोगों ने जीएसटी लाया है जो कि सबको कवर करता है। तो ऑलरेडी ये लोग जो जिनको जीएसटी में टैक्स पे करना है वो पहले के सिस्टम में भी वैट में, सेंट्रल एक्साइज में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये सभी लोग रजिस्टर्ड थे। तो हम ये चाहते थे कि ये जब प्रोसेस हो, जब माइग्रेशन हो, जब लोग पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में आए तो उनको कम से कम दिक्कतें, परेशानियां से वो करनी पड़े, उनको सहूलियत देने के लिए जो कि ऑलरेडी पहले रजिस्टर्ड थे, पहले के सिस्टम में रजिस्टर्ड थे, उनके लिए हम लोगों ने ये फैसिलिटी दी है माइग्रेशन की। तो इसका परिणाम क्या है, आप देखेंगे कि अभी तक लगभग 91 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं जीएसटी में, जिसमें से लगभग 65 लाख लोग वैसे हैं जो माइग्रेशन से आए हैं। तो 91 लाख में से लगभग 65 के आसपास, 64-65 के आसपास माइग्रेशन से आए हैं। तो ये उस हमारे जो है प्रयास को ये है दिखाता है। तो लेकिन उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग पहले रजिस्टर्ड रहे हों लेकिन वो नहीं आ पाए हैं, तो उसका जो प्रमुख कारण ये है, जो कि पहले रजिस्टर्ड थे किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, वैट के साथ या सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स के साथ, लेकिन जो नहीं आ पाए उसका मेन रीज़न ये है कि उनके पास कोई वैलिड पैन नहीं था। हो सकता है उनका पैन नंबर दिया हुआ टैक्स डिपार्टमेंट के साथ लेकिन वो वैलिडेट नहीं हो पाया, वो सही नहीं हो पाया, गलत पैन रहा होगा, तो ऐसे लोग माइग्रेट नहीं हो पाए। क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का जो सबसे कोर, जो जिसको बोलते हैं कोर ऑफ द कोर, इज पैन। सो एक जैसे बहुत सवाल उठते हैं कि मेरा माइग्रेशन हो गया या मैंने अपने डायरेक्टर का जो है पैन नंबर दे दिया था, या जो उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन भी लिया है उन्होंने अपने डायरेक्टर का पैन दे दिया तो मुझसे गलती हो गई, मैं अपने जो कंपनी का जो पैन है उस पर लेना चाहता हूँ। तो अब उसमें क्या हो सकता है कि उनको जो उन्हें रजिस्ट्रेशन जो मिल गया है अब उनके पास और कोई ऑप्शन, इनको कैंसिल कराना पड़ेगा और नया रजिस्ट्रेशन जिस पैन पर लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन उस पर उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि जो पैन है वो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की, वो चेंज नहीं हो सकता है, वो कोर फील्ड है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि कई लोग ऐसे हमारे पास दिक्कतें आई हैं कि मैंने माइग्रेशन मेरा हो गया है लेकिन पहले जो मेरा टर्नओवर था वो जैसे सर्विस टैक्स में क्या था, 10 लाख से ऊपर जिसका होगा उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन यहाँ पर 20 लाख है मिनिमम जो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन है वो 20 लाख है, तो उनका माइग्रेशन हो चुका है, वो चाहते हैं कि हमें कैंसिल कराना है। तो उसके लिए एक फॉर्म है जिसका माइग्रेशन हो गया है, उनके लिए एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं REG 29, और इसको उनको भरना होगा और उसके बाद उनका एप्लीकेशन, जो उनका रजिस्ट्रेशन दिया गया है चाहे प्रोविजनल हो चाहे फाइनल हो, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने अभी इसकी डेट बढ़ा दी है, ये आप जो लोग माइग्रेट हो गए हैं, जो इस जीएसटी में जिनको रजिस्ट्रेशन लेने, टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है,
वो लोग 31 अक्टूबर तक का समय है, वो कैंसिल करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। और कुछ कुछ ऐसी श्रेणियां थी, कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जिनको माइग्रेट नहीं किया गया है, जैसे जो TDS, जो जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो जब सप्लाई जब उनको मिलता है और जब वो पैसा पेमेंट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे, जो भी सप्लाई ले रहे हैं, तो उस पर उनको कुछ अमाउंट काट लेना होता है और वो जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में सीधे जमा करना होता है। तो एक तो वो कैटेगरी है। दूसरी वो है कि जो कि सर्विस टैक्स में जो लोग थे, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे जो सप्लाईज होती हैं जो सेंट्रलाइज प्रोक्योर होती हैं, जो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने पूरी अपनी कंपनी के लिए एक ही जगह सॉफ्टवेयर मैंने हेडक्वार्टर में खरीद लिया और वो सॉफ्टवेयर अलग अलग हमारे ब्रांचेज में यूज़ होना है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक स्पेशल व्यवस्था पहले सर्विस टैक्स में थी जिसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और इसी को हम लोग GST में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनका भी ऑटोमेटिक माइग्रेशन नहीं हुआ। तो इनको अगर कोई रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर GST में उनके लिए उनके उनको ISD का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उनको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे क्या था कि सर्विस टैक्स में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन था, मतलब यह है कि आपकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग स्टेट में आपके ब्रांचेज हैं, तो उनके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। तो अभी चूंकि स्टेट वाइज है, अभी जो GST हमारा जो है वो ड्यूअल लेवी है, वो सेंटर भी इम्पोज करता है और स्टेट भी इम्पोज करता है, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने प्रोसेस को ऐसा बनाया हुआ है कि वो एक ही जगह से सब कुछ, मतलब आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा, आपका एक रिटर्न होगा, आपको पेमेंट एक ही चालान में करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन में भी देखेंगे कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होना होता है, आपको अगर स्टेट वाले ने आपको बोल दिया यस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो वो सेंटर में भी डीम्ड हो जाता है। जैसे ही अगर वो अगर रिजेक्ट होता है तो दूसरा जगह ऑटोमेटिक रिजेक्ट करता है। तो है तो ये ड्यूअल लेवी, लेकिन हम लोगों ने प्रोसेस को ऐसा बनाया हुआ है कि हम लोग वो चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट हमारा जो सारा जो प्रोसेसिंग है, जो आपका लॉ कंप्लायंस है, वो सिंगल पॉइंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट में, चूंकि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो इसलिए जिसका सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन था उनको अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उनका माइग्रेशन सिर्फ एक जगह हुआ होगा। तो ये तो माइग्रेशन का हमारा ये प्रोसेस हो गया, लेकिन माइग्रेशन जो करना है हमको वो कैसे होगा? तो आपका ऑलरेडी पैन वैलिडेटेड है, ठीक है, आपका बैकएंड में आपका नंबर जो था, पैन जो था, वो माइग्रेट हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको माइग्रेट जो करना था आपको एनरोल कराना है। एनरोल कराने के लिए क्या करना होता है, आपको अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर, उसको आपको वेरीफाई कराना होगा। आप उसमें डालेंगे, आप वेबसाइट पर, जैसा कि सीनियर ज्वाइंट कमिश्नर मैडम ने बताया, आप वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालेंगे, वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको फॉर्म RDG 25 बोलते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कुछ डिटेल्स देने हैं। 25 जो है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपको क्या करना है कि आप कुछ को डिटेल्स देने हुए हैं, जिसको आपको REG 26 एक फॉर्म बोलते हैं, उसमें डालना होगा। जो आप जब सबमिट कर देंगे तो वो डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई कर देगा, और अगर कोई इसमें दिक्कत नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि REG 06 फॉर्म है उसमें आपको इशू हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आपको एक नोटिस दिया जाएगा REG 27 फॉर्म में, और उसके बाद फिर आपको नोटिस का जवाब देना होगा। और खास तौर पर ये मैं बताना चाहूँगा कि हमने प्रोसेस को ऐसा बनाया हुआ है कि हर स्टेट का हम लोग का एक फिक्स टाइमलाइन है। आप देखेंगे कि आपको जब कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो आपको एक टाइमलाइन दिया गया हुआ है, मुझे जब कोई एक्शन लेना है तो मुझे एक टाइमलाइन दिया गया हुआ है, ताकि हम जो पहले जो डिलेज हुआ करते थे फॉर व्हाटएवर रीज़न, वो सारे हम लोग चाहते हैं कि ये जो हम लोगों ने जो 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 आर्किटेक्चर बनाया है, जो IT आर्किटेक्चर बनाया है, उसमें ऐसा हम लोगों ने करने की कोशिश की है कि सब कुछ टाइम बाउंड मैनर में हो। तो आप देखेंगे कि आपने REG 26 में आपने अप्लाई किया, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके फॉर्म में, तो आपको 15 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर नहीं किसी आपके टैक्स अथॉरिटी ने किसी ने नहीं देखा, कोई अप्रूव नहीं किया, तो भी ऑटोमेटिक है, वो तुरंत आपको 15 दिन बीतेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सिस्टम इशू कर देगा। अच्छा, अगर आपके
फॉर्म में कोई दिक्कत है, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ अगर टैक्स ऑफिसर को लगता है तो आपको एक नोटिस इशू करेगा REG 27 में, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड है तो आपको REG 06 मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई होता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ये था माइग्रेशन जो कि कंप्लीट हो चुका है, अभी इसका विंडो बंद हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया और मैं फिर से इम्फेसाइज करना चाहूँगा कि इसका सक्सेस आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 91 लाख रजिस्टर्ड एंड वैलिडेटेड टैक्स पेयर्स एज ऑफ नाउ सम 65 लाख पीपल आर फ्रॉम माइग्रेशन ओनली। नाउ यहाँ पर भी मैं एक बात अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो लोग सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वैट या और किसी वैट लॉ में रजिस्टर्ड थे जैसे लग्जरी टैक्स वगैरह में, तो ऐसे लोगों को हमने माइग्रेट किया था जिससे कि उनको नया रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े और उनको PID इशू हुआ, प्रोविजनल ID इशू हुआ, और जिनको PID मिल गया उसके बाद उनसे उनको क्या करना था जिससे कि उनका रजिस्ट्रेशन PID से कन्वर्ट हो जाए फाइनल रजिस्ट्रेशन में, कि उनको Part B भरना था फॉर्म का, तो काफ़ी लोगों ने तो भर दिया। जैसा विशाल ने अभी बताया कि करीब 64-65 लाख लोग जो है माइग्रेट हो चुके हैं, करीब 7-8 लाख असेसी अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने अपना Part B नहीं भरा है, अभी तक भी नहीं भरा है। उसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बाकी बचे हुए लोग भी वो Part B भर दें जिससे कि उनका माइग्रेशन कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि अब वो Part B भरने की डेट अभी हमने 21 अक्टूबर रखी हुई है, तो उस तक भर दें जिससे कि उनका हो जाए, नहीं तो फिर उनको जो है कैंसिल करना पड़ेगा, उनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अनलेस काउंसिल डिसाइड करे कि हमें बढ़ाना है। लेकिन अब कोई कारण नहीं है क्योंकि ये हमने माइग्रेशन का प्रोसेस जो है दिसंबर में शुरू कर दिया था और अब हम अक्टूबर एंड में आने वाले हैं, तो इसलिए ऐसी उम्मीद है कि जो बाकी लोग हैं जिनको माइग्रेशन का प्रोसेस पूरा करना है वो पूरा करें अपना प्रोसेस। जरूर पूरा करें अपना प्रोसेस माइग्रेशन और रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जब भी आप GST व्यवस्था में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा और ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद चूँकि कॉम्पोजिशन एक बिल्कुल अलग सी चीज़ है और बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि कॉम्पोजिशन के बारे में क्या कुछ आप नया बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या कुछ नए प्रोविजंस जोड़े गए हैं, क्या कुछ काउंसिल ने फैसला लिया है, उसके बाद प्रोसीजर्स क्या बदले हैं, उन पर हम निगाह डालेंगे और उसके बाद हमेशा की तरह सवाल और जवाब। तो आप देख रहे हैं हमारी खास GST की मास्टर क्लास। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। मिस्टर कपूर के सर पर 2 बाल हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्या बात है? पर शादी नहीं कर सकते क्योंकि बाल विवाह इलीगल है। Invest ₹20,000 and get 200% appreciation in 2 months. बिन मांगे मिली SMS इन्वेस्टमेंट टिप्स को हंसी में उड़ाना ही बेहतर है, क्योंकि इन पर भरोसा करेंगे तो फायदा आपका नहीं किसी और का होगा। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय SEBI, हर इन्वेस्टर की ताकत। Thank you.
के हो रहे निरंतर विकास में फर्क पड़ता है, स्वयं की प्रतिष्ठा और प्रगति में फर्क पड़ता है, जन सुविधाओं की बेहतरी में फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से। जो कंपनी व अन्य व्यक्ति समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अकाउंट ऑडिट करवाते हैं, उनको अनेकों सुविधाओं का लाभ मिलता है। लेकिन यदि आपने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो अपेक्षित ब्याज, पेनल्टी व अभियोजन लगाया जा सकता है, और यदि अकाउंट ऑडिट नहीं कराया तो जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए याद रहे, कंपनियों को और जिन लोगों को अकाउंट ऑडिट करवाने की आवश्यकता है, उनकी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2017 है। देश का भविष्य है आपके हाथ। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए ऑपरेशन क्लीन मनी का साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जीएसटी की पाठशाला। और अब रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन के बाद अब बारी है कंपोजिशन की, और कंपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी संख्या में राहत देता है। तो महेंद्र सिंह जी, अगर मैं आप ही से शुरुआत करूं, ये जो कंपोजिशन स्कीम है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसको आपने इंट्रोड्यूस किया एट द फर्स्ट प्लेस पूरे जीएसटी में, और क्यों ये लोगों के लिए फायदे की चीज है, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करें। कंपोजिशन स्कीम इज ए फैसिलिटी व्हिच हैज बीन गिवन टू द स्मॉल टैक्स पेयर्स। इनिशियली the taxpayers who were having turnover of up to 75 lakhs were given this facility, but in the last GST council meeting on 6th of October, this limit has been increased to 1 crore. So all those taxpayers, small taxpayers who are having annual turnover of up to 1 crore, they can avail of these facilities. Now there are certain conditions in this composition scheme. Who are the taxpayers who are eligible to avail of this facility, and who are the taxpayers who, in spite of having 1 crore turnover or less, are not eligible? So, my colleague Vishal will give you a presentation on this, and after that, the questions will be answered. Vishal ji. Thank you, sir. Sir ne jo hai iska introduction dekh ke mera kaam aasan kar diya. जैसा कि सर ने बताया कि ये छोटे टैक्स पेयर के लिए है, और आप देखेंगे तो लॉ में जो है जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1 करोड़ रखी गई है, और जब हम लोग जीएसटी जब आया 1 जुलाई से, तो उस समय ये लिमिट जो है 50 लाख थी, जो 1 करोड़ मैक्सिमम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है थ्रेशोल्ड के लिए। लेकिन जब स्टार्ट किया गया था तो उसमें 50 लाख था। तो जो अलग अलग जो छोटे जो है टैक्स जो करदाता हैं उनके तबके से जो है काफ़ी जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, उसके बाद इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया है। पहले इसको 75 लाख किया गया, अभी जो है जो लास्ट जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है 6 अक्टूबर को, जिसमें काफ़ी ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो काफ़ी दूरगामी हैं और महत्वपूर्ण हैं, तो उसमें इसको बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया है। और इसका जो है हम लोग जो टाइम भी दिए हुए हैं वो भी हम लोग बढ़ा दिए हैं। अभी इसको आप जो है अगले साल के 31 मार्च तक आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इस फिनेंशियल ईयर के एंड तक आप कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि अभी जो दो तरह के लोग हो गए, एक तो वो हो गए जो जिनका माइग्रेशन हुआ है, जो पहले के सिस्टम से आए हैं, और दूसरे टैक्स पेयर्स हैं जो कि अभी नया रजिस्ट्रेशन जिन्होंने लिया है। तो ये दोनों तरह के लोग क्या कर सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको करना क्या है, उनको एक फॉर्म होता है जिसमें कि उनको अपना, जिसको बोलते हैं CMP 02, उसमें उनको अपना इंटीमेशन देना है कि मैं इस स्कीम को अवेल करना चाहता हूँ, और उसके बाद वो जिस महीने में ये इंटीमेशन देंगे उसके अगले महीने की पहली तारीख से उनको इसी मिल जाएगी, वो अवेल कर सकते हैं। तो उसमें इसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि अगर मैं किसी क्वार्टर में हूँ, किसी क्वार्टर के बीच में मैं अगर ऑप्ट करता हूँ, जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का चल रहा है, क्वार्टर चल रहा है, तो अगर मैं अक्टूबर में इंटीमेट करता हूँ तो मुझे नवंबर से मिलेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो इनको ऐसे सिचुएशन में करना क्या है आपको, कि आपको अक्टूबर के लिए उस पार्ट के लिए आपको नॉर्मल रिटर्न फाइल करना है, और जो कंपोजिशन वाला जो पीरियड है उसके लिए आपको कंपोजिशन का जो रिटर्न फाइल करना है वही आपको करना होगा, जिसको बोलते हैं कि GSTR 04।
तो आप ये कर सकते हैं, आप जब इंटीमेशन दे देंगे उसके नेक्स्ट महीने के पहली तारीख से आप इसको अवेल कर सकते हैं। और उसके अलावा उसको करना क्या है, क्योंकि आप अभी नॉर्मल टैक्स पेयर हो सकता हूँ, मतलब ये है कि कंपोजिशन में खास बात क्या होती है कि आपको अपने टर्नओवर पर टैक्स देना होता है और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकते हैं। जो आपके अपने सप्लायर से आपने जो माल खरीदा होगा इस पर आप क्रेडिट ले नहीं सकते हैं। और जो आप इन्वॉइसेस वगैरह इशू करेंगे, जो अपने आप जो जो माल गुड्स और सर्विसेज आप जो दे रहे हैं दूसरे को, अपने रिसिपिएंट्स को दे रहे हैं, उस पर आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते अलग से। तो उसके लिए आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। तो इसका इसका इफेक्ट क्या होता है कि आपका जो आप जिस जो आपसे सामान खरीद रहा है वो क्रेडिट नहीं ले सकता है। तो चूंकि अगर आप बीच में कभी कंपोजिशन के लिए आते हैं, तो इसके पहले अगर आप नॉर्मल सप्लायर थे जो कि सेक्शन 9 के अंदर आप जो है टैक्स पे कर रहे थे, तो उसमें आपके पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी, आपके पास ITC पड़ा हुआ होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक ITC का फॉर्म है जिसको आपको जब आप इंटीमेट करते हो और जब आप स्टार्ट कर देते हो, आप जैसे आपने अक्टूबर में इंटीमेट किया, 1 नवंबर से स्टार्ट किया, तो उसके बाद आपको 90 डेज के अंदर, 90 दिनों के अंदर आपको वो फॉर्म जमा करना होता है, ठीक है। और उसमें जो आपने क्रेडिट लिया हुआ होता है, जो आपका बैलेंस बचा हुआ होता है जब आप माइग्रेट कर रहे हो नॉर्मल से कंपोजिशन की तरफ, तो उसको आपको रिवर्स करना होता है या पे करना होता है। तो ये आपको ये करना होगा। और ये खास बात ये भी है कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है, ये गुड्स जो लोग सामान से डील कर रहे हैं, जो गुड्स सेक्टर के जो है से के में काम करते हैं, जो गुड्स से डील करते हैं, उनके लिए सबको अवेलेबल है, एक्सेप्ट कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि आइसक्रीम, एडिबल आइस या टोबैको प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर, उसको छोड़कर बाकी सभी लोग ले सकते हैं। और सर्विसेज जो कि सर्विसेज से डील करते हैं, उसमें जो वही कर सकते हैं जो कि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी लोग के लिए एक कंपोजिशन स्कीम नहीं है। और इसमें एक और खास बात यह है कि जो कैजुअल टैक्स पेयर्स हैं जो कि कुछ समय के लिए किसी स्टेट में आते हैं सप्लाई करने के लिए, या जो नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स हैं जो कि बाहर से आते हैं, जैसे कुछ हमारे यहाँ जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं उसमें कई बार बाहर से भी कंपनियाँ आती हैं, तो वो लोग इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते हैं। उनको नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह उनको देना होगा, एडवांस में पैसा देना होता है। और इसमें एक और जो कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जो कि लास्ट जो GST काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें कुछ इसमें और निर्णय लिए गए हैं। जैसे एक खास बात यह है कि पहले क्या था कि जब आप कोई भी चीज़ सर्विसेज दे रही हैं तो उसमें उसके साथ आप कुछ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज भी दे रहे हो सकते हैं, जैसे कि आप इंटरेस्ट इनकम आपकी हो सकती है। तो वो सारे ऐसे लोग जो है उनका लोगों के पास एक कन्फ्यूजन था कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं इस स्कीम को अवेल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो ये लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि नहीं, ये आप कर सकते हैं। बेसिकली जो लॉ में जो प्रावधान रखा गया है उसका उद्देश्य सिर्फ उनको बाहर करना है जो कि ऐसी चीज़ें जो कि GST से बाहर हैं, ठीक है, जैसे कि एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर करना है। तो ऐसे करदाता जो कि इन दोनों चीज़ों से डील कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी यहाँ से भी कोई टैक्सेबल सप्लाई हो, तो उनको बाहर करने के लिए कि वो ऐसे ही फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते हैं। एक और इसमें खास बात यह है कि जैसे ऐसा हो सकता है कि एक ही पैन पे आपके कई रजिस्ट्रेशन हैं, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन है, दूसरे स्टेट में है, और कुल मिलाकर आपका जो टर्नओवर हो रहा है वो 1 करोड़ से नीचे है, तो उस सिचुएशन में अगर एक आदमी डिसाइड करता है, एक रजिस्ट्रेशन आपका दिल्ली वाला डिसाइड करता है कि कंपोजिशन स्कीम की का फ़ायदा लेना है, तो बाकी सभी लोगों को भी उसका फ़ायदा लेना होगा। एक ही साथ सभी लोग एंटर कर सकते हैं, एक ही साथ सभी कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर बाहर रहना है तो सबको बाहर रहना है। तो ये एक खास बात है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो सप्लायर्स होते हैं जो कि जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जैसे फ्लिपकार्ट,
अमेजोन, तो इनके थ्रू सप्लाईज करते हैं, ठीक है। तो ये लोग इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जब उनके थ्रू आप जब सप्लाई करते हैं तो आप जानते नहीं कि वो चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्योंकि आप इंटर स्टेट जो सप्लाई है वो जो इंटर स्टेट सप्लायर है वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकता है, ये स्कीम उनके लिए नहीं है। तो इसलिए जो ऐसे लोग जो कि ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू अपने माल बेचते हैं उनको ये फ़ायदा ये स्कीम नहीं मिल सकती है। इसके अलावा जो कंपोजिशन स्कीम जैसा कि मैंने बताया वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, वो क्रेडिट ले नहीं सकते हैं, क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को क्रेडिट पास ऑन करना है, अगर किसी को क्रेडिट चेन का पार्ट बनना है तो उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नॉर्मल सप्लायर बनना होगा, उसको नॉर्मल सप्लायर की तरह GSTR 1-2-3 फाइल करना होगा, टैक्स पेमेंट करना होगा और ही कैन पास ऑन द क्रेडिट ऑल्सो। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम वाले जब भी किसी ऐसी सप्लाई को लेते हैं जिसमें कि रिवर्स चार्ज में इनको पेमेंट करना है, जिसमें कि सप्लायर नहीं पे करता है, जैसा कि कमिश्नर साहब ने बताया कुछ सप्लाईज होती हैं जिसमें हम लोगों ने बता दिया कि इसमें सप्लायर नहीं पे करेगा, जो गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा होगा उसको टैक्स पेमेंट करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो कंपोजिशन स्कीम अगर कोई अवेल करता है और वो ऐसी सप्लाई ले रहा है जिसमें रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी है तो उसको खुद ही रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। सबसे खास बात कि ठीक है ये स्कीम तो है छोटे लोगों के लिए है, लेकिन इसमें टैक्स रेट क्या है, तो इसमें टैक्स रेट जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी कम रखा गया है। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए 1% 0.5% CGST में एंड 0.5% SGST में है, और जो रेस्टोरेंट सर्विस हैं इनके लिए 2.5% है, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कुछ जो आइटम्स को छोड़कर जो बाकी मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए 2% है। लेकिन ये सारी बातें तो एक जगह हैं, लेकिन ये बात अब तक कंप्लीट नहीं होगी अब तक मैं आपको ये ना बताऊं कि, और ये चीज़ मीडिया में भी आई है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आए हैं कि GST काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बोला है, उनको उनसे आग्रह किया है कि आप कंपोजिशन स्कीम को थोड़ा और ऐसा बनाइए कि और अधिक से अधिक लोग इसमें अंदर आ सकें। तो वो जो कमेटी है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो GST काउंसिल के पार्ट हैं, वो इस पर विचार कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि कुछ और भी इसमें बेहतर करेंगे। फिलहाल अभी तक जो लोग रजिस्टर्ड हैं उसमें से लगभग 15-16 लाख लोग हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर रहे हैं, और आप देखेंगे 1 जुलाई से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले वो काफ़ी कम थी संख्या, लगभग 5-6 लाख के आसपास थी, जो कि इन 2-3 महीनों में ही ये जाके 15 लाख पे अभी आ चुकी है, 16 लाख तक आ चुकी है। बहुत शुक्रिया विशाल जी। मैं एक दो बातें इस बारे में बोलना चाहूँगा कि कंपोजिशन स्कीम को और कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, इसके लिए 6 अक्टूबर की काउंसिल की मीटिंग में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक निर्णय ये था कि 75 लाख से 1 करोड़ कर दें, 1 करोड़ लॉ में लिमिट है इसलिए 1 करोड़ तक टर्नओवर जो है वो इंक्रीज की गई। दूसरा ये बोला गया कि क्योंकि लिमिट बढ़ा रहे हैं इसलिए टैक्स पेयर को ये सहूलियत दे दी जाए कि वो जब अडॉप्ट करना चाहे स्कीम तभी से ले ले, तो अक्टूबर में करना चाहे, नवंबर में करना चाहे, जब करना चाहे उसके अगले महीने की 1 तारीख से वो स्कीम का बेनिफिट मिल जाए। तो ये दो, और तीसरा जो महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ कि अगर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, जैसे बैंक इंटरेस्ट है या और कोई सप्लाई है ऐसी जो एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस वाले को भी ये बेनिफिट मिले, ऐसा काउंसिल ने निर्धारित किया, और इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन थे वो 13 अक्टूबर को जारी कर दिए गए। सर कुछ वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, देयर आर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन द कंट्री, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड J&K। सो दिस लिमिट ऑफ 1 करोड़ इज एप्लीकेबल टू 9 स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी 9 स्टेट्स के लिए जो 1 करोड़ की लिमिट है, वो उन स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स के लिए 75 लाख है।
सिर्फ दो स्टेट्स ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी में हैं, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, जिनके लिए जिन्होंने ऑप्ट किया है 1 करोड़ के लिए। बाकी 9 स्टेट्स के लिए ये लिमिट है 75 लाख, बाकी सबके लिए 1 करोड़। तो चलिए सर, अब कुछ सवाल जो हैं कॉमन इश्यूज, मेरे ख्याल से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इस प्रेजेंटेशन में और आप लोगों के इंटरवेंशन के बाद एक तरह से समाप्त ही हो गए होंगे, लेकिन पहला सवाल दिया ही कॉम्पोजिशन की बात हो रही, तो विशाल जी कब तक मैं ये जो जो थ्रेशोल्ड है जो बढ़ाई गई है थ्रेशोल्ड, मैं उसका फायदा कब तक ले सकता हूँ? कोई कट ऑफ डेट है कि जब तक इस ऑप्शन को मैं अवेल कर सकता? हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि ये आप 31 मार्च 2018 तक इसको जो है आप अवेल कर सकते हैं। आपको जिस मंथ में आप अवेल करना चाहते हैं उसके पहले मंथ में आप बता दीजिए कि मैं करना चाहता हूँ। आप एक CMP02 फॉर्म है उसमें आप बताएंगे और आप अगले महीने के पहले दिन से आप इसको इस फायदे को उठा सकते हैं। उपेंद्र सर, अगर ये समझा जाए कि कॉम्पोजिशन स्कीम पूरे बास्केट का कितना परसेंटेज है, अभी तक उसके मेरे ख्याल से आंकड़े नहीं आए हैं कि कितना टैक्स रियलाइजेशन होगा, फिर भी कितना इंपॉर्टेंट ये पूरा सेगमेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोग हैं, बड़ी राहत लोगों को पहुंचाई गई है, टर्नओवर पर टैक्स। इस सेगमेंट से हम जो है रेवेन्यू का कोई नहीं देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं उनको कितना फायदा मिल रहा है। तो जैसा नंबर्स बताए गए, करीब 90 लाख टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं, उसमें से करीब 16 लाख टैक्स पेयर्स ने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट की हुई है, और इनसे रेवेन्यू कितना आएगा वो इनकी क्वार्टरली रिटर्न की डेट जो है वो 18 अक्टूबर थी, जिसको कि जीएसटी काउंसिल ने 15 नवंबर निर्धारित किया है। तो इनसे फर्स्ट 3 मंथ्स में कितना रेवेन्यू आएगा वो 15 नवंबर को ही पता चलेगा, उससे पहले। लेकिन हम इसमें जो है रेवेन्यू का एंगल नहीं है, इसमें हम ये चाहते हैं छोटे व्यापारी को फैसिलिटेशन। चलिए अब सवाल लेते हैं, पहला सवाल कौन करना चाहता है? फ्लोर ओपन है, हाँ जी प्लीज उनको माइक दें। माय नेम इज समीर खान। इफ एनीवन ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम बाय मिस्टेक व्हाइल माइग्रेटिंग, देन व्हाट आर द रेमेडीज फॉर इट, व्हाट शुड ही डू? कौन लेना चाहेंगे? विशाल आप। तो आपको अगर कंपोजिशन आपने ऑप्ट कर लिया है, ठीक है, तो आपको फिर आपको नॉर्मल में जाना है, तो उसके लिए आपका जो है एक अलग से फॉर्म है, आप उसको फिल करेंगे। तो उसमें होगा क्या कि आपको जब नॉर्मल में जाते हैं, आप में कंपोजिशन था, आप नॉर्मल में जाएंगे तो आपको एक बस आपको परमिशन दी जाएगी और आप फिर नॉर्मल की तरह पे कर सकते हैं। कोई तो जैसा कि उपेंद्र जी ने बताया कि ये क्वार्टरली सिस्टम है और 3 महीने के बाद ही एक ही रिटर्न आपको फाइल करना होता है कंपोजिशन स्कीम, एक बार अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं और टर्नओवर पे आपको टैक्स देना होता है। लेकिन सर अगर किसी को उस तिमाही के बीच में उसका फायदा लेना है कंपोजिशन स्कीम का, तो उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? हाँ, जैसा अभी विशाल ने बताया कि मैं नॉर्मल टैक्स पेयर हूँ और सपोज मैं नवंबर में डिसाइड करता हूँ कि मुझे कंपोजिशन लेनी है, तो अगली तिमाही तो 1 जनवरी से शुरू होगी जी, लेकिन 1 दिसंबर से वो ऑप्ट कर सकते हैं CMP02 फॉर्म भर के। तो जो पहले 2 महीने हैं इस तिमाही के, अक्टूबर और नवंबर, उसके लिए वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे और दिसंबर के लिए GSTR 4 फाइल करेंगे, जिससे कि पहले 2 महीने में जितना सेल हुआ है उसके ऊपर वो नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह टैक्स देंगे और उसके बाद वो टर्नओवर टैक्स देंगे। चलिए अगले सवाल, और इसमें हम रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन पे भी अगर कोई सवाल है वहां से तो शामिल कर सकते हैं। अगला सवाल जी प्लीज। Hello sir, my name is Rishabh Mehrotra. My question is, if I have successfully migrated and received registration certificate in form GST REG06, but find myself not liable to be registered because of the recent changes in the law, how do I cancel my registration? Ma'am? उसके लिए एक फॉर्म है REG29, तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। 31st उसका टाइमलाइन हमने एक्सटेंड करके 31st अक्टूबर कर दिया है, तो आप तब तक अप्लाई करिए और आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। एक सवाल कॉम्पोजिशन पे है विशाल, रजिस्ट्रेशन मैंने जुलाई में लिया, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, फिर भी अगर मैं नवंबर में मान लीजिए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करता हूँ, तो फिर मैं पुराना जो जुलाई टू उससे पहले का जो वो है उसको किस तरह से फाइल करूँगा? उसके लिए क्या दूसरे फॉर्म्स हैं या फिर नॉर्मल? उसके लिए आपको नॉर्मल फॉर्म करना है जिसमें GSTR अभी जो चल रहा है GSTR 3B वगैरह फाइल आपने किया ही होगा। आज की डेट में अगर आप जुलाई से आप अगर कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी उसकी ड्यू डेट बीत चुकी है, आपने किया होगा। तो ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है,
पहले क्या था कि पहले कंपोजिशन को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना था, क्वार्टरली पेमेंट करना था, लेकिन जो अभी जो लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ जीएसटी काउंसिल की, उसके बाद से ये जो है बदल गया है। अगर क्या है, हम लोग इसको और आकर्षित बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये किया है कि आपको जिस महीने में आपको लगता है कि आपको कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए, आप अप्लाई करेंगे, आपको अगले महीने से आपको कंपोजिशन स्कीम का आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप पहले मंथ से, पहले दिन से, महीने के पहले दिन से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको करना क्या है, उसके पहले के लिए आपको नॉर्मल रिटर्न फाइल करना है, और जब आपने स्कीम स्टार्ट कर ली, ज्वाइन कर ली, तो उसके 90 दिनों के अंदर आपको एक रिटर्न फाइल करना है जो कि ITC से रिलेटेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से है। तो उसमें क्या होगा कि आप जब माइग्रेट किए हैं, जिस दिन माइग्रेट किए उस दिन जो आपका स्टॉक है उसके साथ जो उसका इनपुट जो जुड़ा हुआ था वो आपको सारा रिवर्स करना होगा। तो अब जल्दी से, क्योंकि वक्त जो है उसका, इन अदर वर्ड्स इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अप्लाई किया अक्टूबर में तो 1 नवंबर से ही कंपोजिशन मिलेगी, 1 जुलाई से नहीं मिलेगी। शायद आपका सवाल ये था कि क्या 1 जुलाई से ही कंपोजिशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरी टर्नओवर तो 1 करोड़ से कम है। जी जी। वो ऐसा नहीं होगा, तो नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह आपको 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक नॉर्मल टैक्स पेयर रहेंगे और 1 नवंबर से आप कंपोजिशन टैक्स पेयर। चलिए तो जल्दी से, अब मान लीजिए मैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों ही गुड्स में मान लीजिए डील कर रहा हूँ, तो मुझे कंपोजिशन का फायदा मिल सकता है? कंपोजिशन का फायदा मिल सकता है, लेकिन आपको टैक्स जो है टोटल टर्नओवर पे देना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो 1% देना है, मैन्युफैक्चरर हैं तो 2% देना है, तो जो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है उस पर आपको टर्नओवर टैक्स देना है। कंपोजिशन डीलर को क्या जीएसटी 4A जुलाई सितंबर के लिए क्वार्टर उसके लिए भी भरना जरूरी है? नहीं, उसके लिए भी हमने काउंसिल के डिसीजन के बाद नोटिफिकेशन इशू किया है कि जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर का जो तिमाही होगा उसके लिए जीएसटीआर 4A नहीं भरना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है कंपोजिशन स्कीम पे या नहीं? कंपोजिशन स्कीम पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9(3) वाला जो सेक्शन है वही अप्लाई होगा। 9(4) तो पूरे ही सबको ही छूट मिल गई है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू हो गया है, इसलिए कंपोजिशन डीलर को भी अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहा है तो उसके ऊपर भी 9(4) एप्लीकेबल नहीं है। कंपोजिशन में आपने कहा कि मैन्युफैक्चरर के लिए अलग रेट है, ट्रेडर के लिए अलग रेट है, अगर मैं दोनों हूं तो मेरे लिए फिर मुश्किल की स्थिति है? मुश्किल की स्थिति नहीं है, तो आप जो है मैन्युफैक्चर करके सामान अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसको सेल करेंगे, तो आप मैन्युफैक्चरर की तरह ट्रीट किए जाएंगे और जो मैन्युफैक्चरर के लिए रेट एप्लीकेबल है वही लगेगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीरीज को यहीं पे हमें समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन और कंपोजिशन पे बहुत सारे जो सवाल हैं वो हमने सुलझाने की कोशिश की, और अभी आपके जो इश्यूज हैं उनको, कॉमन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की। मैं पैनल में जो तमाम हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। महंसा जी बहुत बहुत शुक्रिया, उपेन्द्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैम आपका भी शुक्रिया, प्रबल जी आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल जीएसटी की पाठशाला की इस खास सीरीज में सिर्फ इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन मास्टर क्लास लगातार जारी है और डीडी न्यूज़ पर यह खास पेशकश भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।